अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं को अभी तक छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं होने के कारण जिला कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया, जिसके तहत 2020-21 में जिले के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें अब तक छात्रवृत्ति की राशि पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई है। इसके विरोध स्वरूप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी अपनी मांग लेकर दुर्ग जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा व इस संबंध में न्यूज टीम को पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। हम लोग अभी स्कॉलरशिप को लेके मांग कर रहे हैं। जैसे कई लोग का आधा ही पैसा आया है और आधा अधिकतरों के में नहीं आया है, और आया भी है तो 50% आया। जैसे किसी को 4,000-6,000 मिलता है तो किसी के में 1900 आया है, 1500 आया है, और हम लोग सर लोग के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं दूसरे किस्त में दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं। तो हम इस चीज़ को लेकर आज मांग कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप जल्दी दे 2021 का, और अभी का भी हमारी स्कॉलरशिप जल्दी। कॉलेज से ये बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा कोरोना के कारण भी है, वो दूसरे किस्त में दिया जाएगा, आपको किस किस्त में दे रहे हैं करके। लेकिन हमारा स्कॉलरशिप पहले ऐसे आता था, एक साथ दे दिया जाता था, लेकिन अब किस्त में कर रहे हैं तो ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये विद्यार्थी परिषद दुर्ग के कार्यकर्ताओं द्वारा जो सत्र 20 और 21 की जो छात्रवृत्ति है जो अभी तक छात्रों को नहीं मिली है, वो लोग स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं कोविड का समय है, छात्रों को कितनी परेशानी हो रही है, और अभी का भी फॉर्म जो 21-22 का भी फॉर्म भरा गया, लेकिन अभी तक जो 20 और 21 की जो छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है, इस विषय में हम आज जिला अधिकारी जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। कम से कम नहीं भी होके 50% तो होंगे, और कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके खाते में 50% ही पैसा आया है, किसी के में 30% पैसा आया है, तो इन सब मुद्दों को लेके हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।